ये वीडियो खासकर लड़कियों के लिए। यदि मेकअप सिंपल भी हो लेकिन स्मूथ और अच्छी तरीके से किया जाए तो पर्सनालिटी में निखार आ जाता है, ये सच है। अपने स्किन, हेयर और बॉडी पर आप जो भी साबुन, लोशन, क्रीम, जेल या मेकअप यूज करो वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो दिखने में अच्छा लगे और स्किन को किसी भी तरह का हानि ना पहुंचाए और आपके फेस में एक चिकनाहट दिखे। इसलिए आज मैं आपको मेकअप के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स, जो ज्यादा महंगा नहीं है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, ये डॉक्टर द्वारा रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रहे, मेकअप लगाने के पहले फेस साफ होना चाहिए और अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी होना चाहिए। फेस को अच्छी तरह से साफ करने के बाद मॉइस्चराइज लगाने से फेस सूखता नहीं है, जिससे उस पर आपका फाउंडेशन और मेकअप स्मूथली लगता है। अब बात आती है कि मेकअप कौन सा लगाए। एक बार और आपको बता देता हूँ कि फेस और हेयर पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट हमेशा सस्ता चीजों से ही बनाया जाता है, जिससे फेस में बार बार लगाने से स्किन खराब और पिंपल बाहर आता है। और सस्ती लिपस्टिक यूज करने से आपकी लिप्स धीरे धीरे काली पड़ सकती है और एलर्जी भी हो सकता है। अब कुछ अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स के नाम बता देता हूँ। फाउंडेशन में नॉर्मल और ड्राई स्किन के लिए गार्नियर स्किन बीबी क्रीम अच्छा है, और ऑयली स्किन वाले के लिए लैक्मी एब्सोल्यूट मैट रियल स्किन नेचुरल मूजेस और मेबेलिन न्यू यॉर्क ड्रीम सैटिन लिक्विड फाउंडेशन अच्छा है। ये दोनों कई शेड्स में आते हैं और आप अपने स्किन टोन के अनुसार इसमें से शेड ले सकते हैं। लोटस फाउंडेशन भी अच्छा है, ऑयल फ्री और वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ये 5 घंटे तक फेस में प्रॉपर रहता है। फाउंडेशन पाउडर में लैक्मी ऑल इन वन पेन केक अच्छा है, इसमें हल्के से गहरे कई कलर्स आते हैं, तो जो शेड आपके स्किन में अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। आई मेकअप के लिए मेबेलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस क्लोजल वाटरप्रूफ मस्कारा और लैक्मी का आइकॉनिक लस कार्डलिंग मस्कारा, ये दोनों बहुत अच्छा है। आई शैडो में आप मेबेलिन न्यूयॉर्क का 24K गोल्ड न्यूड पैलेट आई शैडो आप ले सकते हो। इसमें 12 आई शैडो कलर्स आता है, तो ये आई शैडो की कलर अपनी ड्रेसिंग के हिसाब से मैच करके लगा सकते हो। आई लाइनर में आप लैक्मी आईब्रो पेंसिल और लैक्मी का एब्सोल्यूट ग्लोजी आर्टिस्ट लिक्विड आई लाइनर, मेबेलिन का आई स्टूडियो लास्टिंग डर्मा जेल आईलाइनर, ये तीनों बहुत अच्छा है। और जो लोग काजल लगाना पसंद करते हैं उसके लिए पतंजलि, हिमालया, लैक्मी का ये तीनों काजल अच्छा है, लगा सकते हो। और जहां तक लिपस्टिक का सवाल है वो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको मैट फिनिश चाहिए या ग्लॉसी फिनिश चाहिए और कौन सा कलर चाहिए, लेकिन लिपस्टिक हमेशा अच्छी ब्रांड की लगानी चाहिए। सस्ती लिपस्टिक से लिप्स में एलर्जी हो सकती है, लिप्स सूख सकता है और धीरे धीरे काला पड़ सकता है। लैक्मी, मेबेलिन, चैम्बोर, रेवलॉन, लोरियल, ये सब अच्छी ब्रांड्स है, जिसमें भी आपको आपका मनपसंद शेड मिले वो आपको लेना चाहिए। इसमें आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, जब आप मेकअप करते हैं आप सोने से पहले कितने भी थके हो हमेशा पूरा मेकअप साफ करके और फिर अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करके ही सोना चाहिए। सोने से पहले मेकअप निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेकअप हमेशा स्किन में लगाया जाता है और जब तक वो स्किन पर लगा है स्किन और हवा के बीच में एक रुकावट रहता है और स्किन को बीट करने से रोकता है। इसलिए सोने के पहले मेकअप अच्छी तरह निकाल लेने से स्किन को मेकअप से हानि नहीं होती है, पिंपल, एलर्जी और पिगमेंटेशन स्किन पर नहीं होगा और स्किन हेल्दी रहेगी। ये करने के लिए भी आप किसी अच्छी कंपनी का मेकअप क्लींजर यूज कर सकते हो। इसके लिए गार्नियर स्किन नेचुरल मिसेलर क्लींजर वाटर मेकअप रिमूवर, लैक्मी की फेस मेकअप रिमूवर और बायोटिक का बायो एमोंड ऑयल सुतीन फेस एंड आई मेकअप क्लींजर अच्छा है। क्लींजर से मेकअप साफ करके एक फेस वॉश से फेस को धोकर मॉइस्चराइज लगा ले। एक और बात, यदि आप अगर रेगुलरली मेकअप करते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार सासलिक फोम डीएस या 6% बेंजोइल पेरोक्साइड जेल से फेस को एक्सफोलिएट कर लेना चाहिए। ऐसा करने से डेड स्किन निकल जाएगी और अगला मेकअप लगाने के लिए स्किन स्मूथ रहेगी, बस इतना ही करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।